हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सर्दी आ चुकी है, सर्दी में फिंचेस का कैसे केयर करें? आपके घर में अगर लॉन्ग टेल फिंच है या फिर कोई भी एग्जोटिक फिंचेस है या फिर नॉर्मल फिंच है तो सबका एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा आपको केयरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ बातें बताऊंगा, इसको अगर ध्यान में रखोगे तो बर्ड्स को उतना ज़्यादा तेज़ी से कुछ हार्म नहीं आएगा, कुछ सर्दी या फिर ठंड लगना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। पहला पॉइंट है वाटर फीडर। ये जो देख रहे हैं आप वाटर फीडर, ऐसे वाटर फीडर तो पॉट में आपको पानी देना है, क्योंकि इससे वो लोग क्या होता है नहा नहीं सकते। अगर नहा नहीं पाएंगे तो उनको ठंडा लगने का चांसेस भी बहुत ही कम है। और सेकेंड जो पॉइंट है वो है नेस्ट और नेस्टिंग मटेरियल, मतलब उनको एक बास्केट और नेस्टिंग मटेरियल ज़्यादा करके देना है। जैसे मैं दिया हूँ नेस्टिंग मटेरियल, मैं क्या करता हूँ, मैं कोकोनट फाइबर यूज करता हूँ। मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं ये कोकोनट फाइबर है, ये मैं यूज करता हूँ अपने बर्ड्स को। और हजमी के लिए मैं अपने केज में ग्रिड्स यूज करता हूँ। ग्रिड्स देख सकते हैं, वो जो ग्रिड्स बनाते हैं घर में, घर में ही स्पेशली बनाता हूँ, बाहर का खरीदा हुआ उतना काम नहीं करता। जो घर में होममेड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और कुछ नहीं, और सर्दी में जो केज अगर ढक के रख सकते हो थोड़ा सा, मैंने हाफ ढक के रखना पड़ता है। अगर हाफ ऐसे केज सामने की पोर्शन छोड़ के पीछे की तरफ अगर हाफ पूरा पीछे से अगर कवर करोगे तो उसमें भी बर्ड्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ठंड लगने का चांस बहुत कम जाता है। नेक्स्ट है एक बल्ब, ठीक है, ऐसे एक 200 या जैसे आपका कैपेसिटी है, जैसा आपका छोटा घर है या बड़ा घर है उसके हिसाब से आप बल्ब यूज करिए। इससे आपका बर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, आपके बर्ड्स को कोई बीमारी नहीं आएगा। और जो मेरा पॉइंट है वो है खाना पीना, मतलब सर्दी में थोड़ा कैनरी सीड, ब्लैक सीड, ये सब देने की कोशिश करिए। और नॉर्थ साइड से कभी भी हवा अपने बर्ड्स को डायरेक्टली नहीं लगना चाहिए। और सुबह अगर सकते हो तो सुबह गर्म पानी, थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी देने का कोशिश करो। रात को पानी निकाल लिया करो, मतलब क्या करोगे, शाम को पानी निकाल लोगे और सुबह जो जब पानी दोगे तो थोड़ा हल्का गुनगुना पानी देने से उनको उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। गुनगुना मतलब एकदम भी गर्म नहीं, हल्का गर्म, जिससे कोई बर्ड्स को नुकसान नहीं हो। मतलब जैसे गर्मी में जैसा नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, सर्दी में तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, बस वैसा ही गर्म आपको रखना है, ये याद करके रखना। और मेरा वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको शायद ये वाला मेरा जो मैं बोला हूँ लॉन्ग टेल फिंचेस के लिए शायद आपको याद रहेगा, तो आप थोड़ा अपने बर्ड्स को केयर करना, क्योंकि सर्दी आ चुका है। बाय बाय फ्रेंड्स।